बिजली की कोई समस्या नहीं, तेल की लालटेन यहीं पर कहीं। वाह, खुशियों से भरा है ये जहां, कोई भी समस्या नहीं यहां। सिर्फ थोड़ी पानी की प्यास है, एक अरसे से नल भी उदास है। लापतागंज 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 लापतागंज। अरे दूध तो यहाँ शुद्ध ही आता, ससुरा पानी मिला नहीं पाता। प्यार की भूख न प्यास सताती, अच्छा है राशन तो बचाती। रोज सुख दुख से होती है अपनी आँख में चौली, बिन बिजली मनाते हैं दिवाली और बिन पानी के हो। यहाँ तो सब कुछ है लापता, फिर भी खुशियों का है पता। लापतागंज 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 लापतागंज। चाचा को भी दे। बच्चा साहब, हमको नीम का टहनी नहीं चाहिए। ये तुम लोग लाए कहाँ से हो, इतना इतना टहनी तोड़ के ही बताओ। अब नीम के पेड़ में पीपल की टहनी थोड़ी ना होती है चाचा। ये ज्यादा बकर बकर ना करो, बात समझो, हमारा बात काटो मत। हम तो सिर्फ बात काट रहे, उधर तो पेड़ ही काट दिया। पेड़ काट दिया? हम पेड़ काटे? लकड़ी चोर। लकड़ी चोर? नीम को भी नहीं छोड़ा, और तुम लोगों ने उस लकड़ी चोर को रोका नहीं? कैसे पकड़ दे चाचा, वो दो दे हम दस। सिर्फ पेड़ ही नहीं कटा, यूं समझिए कि हमारे सर के ऊपर से एक समझदार अनुभवी बुजुर्ग का साया उठ गया। एक ऐसा अनुभवी बुजुर्ग जिसकी छत्र छाया में ये गांव बना भी, बसा भी, रोया भी और हंसा भी। हमरे बाबूजी नीम के पेड़ को हकीम बुलाया करते थे। हाँ मौसी, घर में जब भी कोई बीमार होता था कहते थे हकीम के पास जाओ और दवाई लेकर आओ। हम तुरंत नीम के पेड़ पर चढ़ के उसके पत्ते लाया करते थे। हमें भी याद है, सुरीली के पापा ने उसी पेड़ से हमें झूला झुलाया था। क्या बात करिए मौसी। जैसे ही तुम झूले पर चढ़ी, झूला धम्म से नीचे गिर गया। पत्नी झूला के ऊपर, पति झूला के नीचे। एक महीने तक कमर टेक कर सो नहीं पा रहे थे। नीम के पत्तों से तो ठीक हुए हैं। जिसने जखम दिया उसी ने मरहम भी दे दी। वाह वाह, एक तरफ पेड़ गिरा और दूसरी तरफ पोएट खड़ा हो गया। वैसे उस नीम के पेड़ ने हमको भी स्पोर्ट्स में बहुत कुछ दिया। स्पोर्ट्स में? पेड़ पे चढ़ के क्रिकेट खेलते थे क्या बेटा? अरे क्या आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स में सिर्फ एक क्रिकेट ही होता है? आप हमें क्या समझते हैं जेंटलमैन? नहीं बेटा, पापा कसम तुम लुच्चे लफंगे लगते हो। थैंक यू। क्या समझेंगे आप फीलिंग्स को? अरे छुपा छुपी खेलते थे हम, छुपा छुपी। सोनम ढूंढती रहती थी मुझे, और मैं पेड़ के टॉप में जाके छुप जाता था। ऐसे करके डालियों को छुपा लेता था अपना चेहरा, हमेशा जीतता था मैं। सोनम तो कब की चले गई, अब नीम का पेड़ भी चला गया। कैसे जीतेंगे बताइए आप? नहीं कछुआ चाचा बताइए। जो भी हो, भगवान जी ने हमारे साथ ये अच्छा ना ही किया। अरे भगवान कुल्हाड़ी लेकर आए थे क्या? भगवान को क्या कोस रही हो? बेटो
अरे भैया भैया क्या यार, दरवाजा खुला है कभी उसका भी यूज किया करो। अरे शादी वाले दिन भी घोड़ी लेके यहीं से घुसोगे क्या? अरे गुड्डू, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। हाँ वो तो देख ही रहा हूँ, आप ब्लाइंड हो और भाभी जी गूंगी हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर। वैसे तुम कभी अंधे हुए हो? नहीं, हमारी आंखें बचपन से ही सही जा रही हैं भैया। अरे यार मैं आंखों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्यार में अंधे होने की बात कर रहा हूँ। जोर तो बहुत लगा रहा हूँ, आपकी नजर में कोई है क्या? यार गुड्डू पहले हमें अपना तो केस सॉल्व कर लेने दो। देख रहे हो कितने बिजी चल रहे हैं, दो दो चीजों में पड़े हुए, एक लव में एक ला में। यार पहले हम अपना केस सॉल्व कर लें, उसके बाद तुम्हारे केस के बारे में सोचेंगे। ठीक, रुको। सुरीली, गुड मॉर्निंग। हाय, तुम्हारे लिए लाए। सुरीली, कल रात में हमने तुम्हें सपने में देखा। पापा कसम बता रहे हैं, तुम इतना पटर 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 बोल रही थी ना, जैसे वो शोले की हेमा मालिनी बोलती है ना वैसे। नहीं समझे? पापा कसम नहीं समझ पाए। यार सुरीली देखो ऐसा है, हम समझने के साथ साथ तुमको सुनना भी चाहते हैं। यार यार हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सब तुम्हारे माँ बाप का कसूर है, जबान तो दे नहीं पाए, कम से कम सब टाइटल की फैसिलिटी दे देते। अरे हमसे क्यों कुट्टी होकर चले गई? अरे यार बताओ, समझे कि नहीं समझे क्या कहा? हम समझाते हैं, कह रही तुम्हारा कसूर है सो। जब गुस्सा थूक देना तो यहीं रखे हैं फूल, आके ले जाना है। बाय, चलो। क्या चलो, भाभी को रुला के अच्छा नहीं किया। बैठो तुम्हारी भाभी। कहाँ मिस्त्री, इतना परेशान का, और कुछ खो गया का? खो नहीं गया है, टूट गई है कछुआ। कहाँ टूट गया? वो जो का कहते हैं उसे पीछे होती है वो। किसके पीछे? सबके पीछे, तेरे मेरे। मेरे पीछे तो साइकिल है। वो नहीं, वो जो वो अपने सर के नीचे होती है। सर के नीचे तो गर्दन। गर्दन से थोड़ा नीचे आ जा, वो का कहते हैं कमर। हाँ कमर टूट गई है। कमर टूट गई? राशन की दुकान में शक्कर लेने गए थे, शक्कर उठाने गए तो चक्कर आ गए। अरे मिश्री, अब तो शक्कर खरीदने जाओ तो भाव सुन के ही चक्कर आने लगता है। ला दो घर, अरे संभलो, चलो घर पहुंचा दे। ओम हंकारे ज्वाले ज्वाले संकट निवारणाय हूँ, ओम हंकारे ज्वाले ज्वाले संकट निवारणाय हूँ। का करे कछुआ, कमर ही बैठ गई तो घर कैसे चलाएंगे हैं? सुरीली को विदा कैसे करेंगे? अरे कमर टूट जाता है तो उसमें विदाई नहीं होता है का? देखो राम स्वरूप के बीवी का दांत टूट गया था तो उसकी बेटी का विदाई नहीं हुआ का? हैं, करना क्या है, बस मुंह बाह के रो देना है। देखो ऐसे मिश्री, बस थोड़ा हिम्मत रखो। वैसे हिम्मत सब में होता है नहीं। अब अकेली औरत हिम्मत कहाँ से लाए कछुआ, राशन की दुकान पे मिलती तो ले आते। लो अब पति जब से शहर गए हैं वापस आए नहीं, बताओ। बताइए, तुम रहती हो लापतागंज में और वो हो गए लापता। लगता है भगवान भी हमसे मुंह फेर लिए है। ये छोटी छोटी सी बातों में भगवान को काय कोस रही हो मौसी? देखो हनुमान जी का मुंह भी तुम्हारी तरफ ही है। मुंह हमारी तरफ है, कृपा दृष्टि कहीं और। एक कमर ही बची थी, वो भी तोड़ दी। आज बहुत देर कर दी, सरकार ओवर टाइम नहीं देती। अरे बल्कि उल्टा जल्दी आ गए हैं, सरकार उसका वापिस भी नहीं लेती। फिर ठीक है, देर काहे हुई? वो चौक में से एक अर्थी गुजर रही थी, पूरा रास्ता जाम था। अर्थी?
हम आज तक अर्थी नहीं देखे हैं। अर्थी में एक मृत शरीर अंतिम यात्रा के बाद आग में जाता है, कोई मौज मस्ती करने कंपनी बाग में नहीं जाता। तो कंपनी बाग दिखा लाइए ना। अरे दिखा लाएंगे जब वक्त होगा तो। अभी चाय बना के लाओ। बना देंगे जब फुर्सत मिलेगी। हमरी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में, सब तुम्हारी वजह से। उनकी वजह से काहे? अगर हमरी शादी नहीं हुई होती, हम कुंवारे होते तो ये सब चीजें खुद ही जाके देखते, है ना? हर 10 साल से सिर्फ तुमका और लापतागंज को देख रहे हैं, और तुम ना बहुत बदल गए हो भगवान। ये सब लोगों को हो क्या गया? लापता में हर कोई भगवान को क्यों दोष दे रहा है? और नहीं तो का करे, अरे बचपन से इनकी पाठ पूजा करते आए हैं। अरे धूप पत्ते जला जला के नाक में इन्फेक्शन हो गया है। तो नाक में काहे जलाती हो, थोड़ा दूर से जला लिया करो। ए, हमसे मजाक नहीं करना वरना हम चले जाएंगे अम्मा के जहाँ। नहीं, चाय बनाने। क्षमा करना प्रभु, इतनी रात को आना पड़ा। हम आपको होशियार करने आए हैं कि लोगों का आप पर से विश्वास कम होता जा रहा है प्रभु। हमें छोड़कर हम तो हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे, लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि कम आमदनी, कम पानी, कम बिजली के बिना भी गुजारा हो सकता है, लेकिन भगवान पे ऊपर से विश्वास उठ गया तो फिर सुख शांति से जी भी नहीं पाएंगे। प्रभु कुछ कीजिए कि आप लोगों में अपना विश्वास वापस लाइए, कुछ कीजिए प्रभु। अगर देर हो गई तो फिर हमें दोष मत दीजिएगा। लगता है झगड़ा किए हैं। हाँ? जीतने वाला घर के अंदर और हारने वाला घर के बाहर, कहा हो विजी पांडे? आजकल मर्दानगी फुसफुसा गई है का? पापा कसम बता रहे हैं कचपा चाचा, पड़ोसी के कंटी पे चढ़ाई करो लेकिन अपनी बीवी से लड़ाई मत करो, आदमी बेघर हो जाता है। ए मुकुंदी बाबू, उठिए उठिए, सुबह हो गई। आप लोग सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रहे हैं? आपके घर में नहीं है, आप मंदिर पे हैं। देखिए बजरंगावली, हाथ जोड़िए। मंदिर में? हाँ। हम यहाँ कैसे? अरे हम रात में बिनती करते करते आंख लग गई होगी। अच्छा, तो पहले वाइफ से फाइट, उसके बाद पत्नी से बिनती किया कि घर के अंदर आने दो। पत्नी से? और का? अरे हम तो हनुमान जी से बिनती किए थे। तो हनुमान जी सुन ली है? हाँ, शायद नहीं, रात बहुत थी ना, तो शायद सो रहे होंगे या बिजी चल रहे होंगे। हनुमान जी भी बिजी है, पापा का तो एकदम मेरी तरह है। हाय दैया, इतनी छोटी सी बात को लेकर यहाँ सोता है का कोई रात भर? चलिए घर चलिए। अरे आंटी चप्पल तो लेते जाइए। चप्पल मारेंगे। चप्पल भूल जा रहे हैं। वैसे मुकंदी भैया झूठ बहुत बोलते हैं आप। वैसे मुकंदी भैया झूठ बहुत बोलते हैं आप। आज हमने हनुमान जी को साफ साफ कह दिया है कि प्रभु कुछ करो, पब्लिक आपको भूल रही है। उन्होंने समा मांगी होगी और कह दिया होगा हम अभी याद दिलाते हैं मुकंदी। हाँ? हाँ? नहीं। शायद कहा भी हो, पता नहीं हमको बोलते बोलते बहुत गहरी नींद आ गई थी। तो एक बार फिर से बोल के देखो। अब उसकी जरूरत नहीं है। काहे? देखना पब्लिक फिर से उन पे विश्वास करने लगी, उन्होंने हमारी बात को नोट कर लिया है।
भगवान का नोट छोड़िए और ई का नोटबुक देखिए, अंग्रेजी में फेल हो गया है। का? बेटा अंग्रेजी तो कोई तोप भाषा नहीं है। पापा अंग्रेजी में तोप को क्या बोलते हैं? बेटा तोप का अंग्रेजी और हिंदी में एक ही मतलब होता है, दोनों वक्त पे बराबर चलती हैं। और तुम ज्यादा तोप मत बनो, समझे? पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो और बाकी सब हनुमान जी पे छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? हमारे जगह पे हनुमान जी एग्जाम देने जाएगी क्या? इसका साफ साफ मतलब यही है कि उन्होंने तुम्हारी बात ना ही सुनी। समझदार को इशारा काफी है और भूखे को छुआरा काफी है। खाना खा लीजिए। मुकंदी भैया ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे। पूरा लापतागंज अस्पताल में भर्ती हो रहा है, बीमारी चारों तरफ फैल रही है। भगवान हम गरीबों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहा है? अब तो कोई उम्मीद नहीं रही इनसे भी। आज हमारा भी विश्वास तुम पर से उठ गया है प्रभु। अच्छे भले भक्त को कमबख्त बना दिया है आपने। उम्र भर जिनकी चौखट पे हमने अपना सर झुकाया, आज उसी का सर पूरे लापतागंज के सामने झुक गया। शास्त्रों में भगवान की कोई कमी नहीं है, एक से एक बैठे हैं। अब हम भी उसी भगवान को पूजेंगे जो हमारी सुनेगा। भगवान बिना दो कान दो आंखें फालतू में दे दिया, दो कमर दे देता तो एक कमर टूट जाए तो दूसरी कमर से चला लेते काम। मायो, बेटा तेल मालिश से कुछ नहीं होगा, उधर जाना पड़ेगा। अरे बीमार जहाँ जाते हैं। मरे मेरे दुश्मन, सारे बीमार भगवान के पास थोड़ी ना जाते हैं, जहाँ डॉक्टर आ रहता है। हॉस्पिटल आवाज कैसे जाए बेटा, हम तो हिल भी नहीं पा रहे। मी अब बीजी पढ़ने को बुला है? बिल्कुल नहीं। बुला लो। मी तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए रे। मौसी, बिजी बेटा कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मौसी, जिसको दिल के दर्द का पेन हो वो दूसरे के कमर के दर्द के पेन को भली भांति अंडरस्टैंड कर सकता है। सुरीली दर्द हमें हो रहा है, तू कहाँ सर मार रही है बेटा? मौसी टेंशन मत लीजिए, पांडे जी इन तो दर्द जी आउट, हम तुमको अपनी गोदी में उठा के लेके जाए। ठीक है, अरे मौसी संभल के, अबे जग्गू क्या हुआ? दर्द हो रहा है। कहाँ? पीछे कमर में। अरे यार मतलब बैक टू बैक दोनों पेन, आओ ब्रो जल्दी आ जाओ, हम भी अस्पताल जा रहे हैं, तुमको भी लेते चलेंगे। आओ 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 बैठो, अबे मदद करो ना यार, खड़े हो यार। टेंशन ना लो, अरे यार सुनिए तुम ना मारो यार, धक्का तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी।